ये श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, आज कार्तिक महात्म का 31वां अध्याय करने वाले हैं। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और भगवान का ध्यान करके अध्याय शुरू करेंगे। और अभी जो अध्याय बीच में रह गए हैं उसकी वीडियो मैं आपको अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। किसी कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए 31वां अध्याय शुरू कर लेते हैं। श्रीमने नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मधु आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा। महिष्मतिपुरी चूँकि राजा माहिस ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक मास का व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए वहां ठहरते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक माह के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ता है, कोई सुनता है, कोई भगवान का कीर्तन करता है, कोई भजन सुनता है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला को धारण किए हुए। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहता और वैष्णव के दर्शन किया करता था, उनको स्पर्श करता था, उनसे वार्तालाप करता रहता था और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जन किया करता था। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं तो उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस दिन इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उनकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के श्रद्धालु भक्तों ने उसको चहुओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे डालने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक जितने बुरे कर्म किए हैं, जिनके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं देखा है, यदि मैं एक वर्ष आपको सुनाता हूँ तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होती है। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग दरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका त्यों ही वह लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो जाती, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए नारद ऋषि वहां आ पहुंचे। उन्होंने यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य ना किया हो, सहज स्वर्ग की के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संगत और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे आप भोग करने वाले नरक पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आज कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय पूरा हुआ है। तो ये श्री राधे।